हेलो। आप से सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी, देवबंदी क्या हाल है? ठीक है ताहिरा। अच्छा, ये यार मेरे हाथ में किताबें बैठती है, हमारे खामी ने लिखी है। एक बात पूछनी है, पहला आपने असूल बनाया था कि जो किसी को मर्द को लेडीज के नाम से पुकारे, है ना, जैसे आपको मुफ्ती तैयब ने ताहिरा बानो कहा था, तो आपने ये असूल बयान किया था कि क्या आपने अपनी औरतों को मेरे पास भेजा था? तो अभी कहना चाह रहे हो आप मुझसे? सुनो सुनो सुनो, ये बेवकूफी तुम्हारे अंदर है। बात पूरी नहीं तो कुछ भी पहले अपनी कह लो, कुछ भी कह लो, हम बुरा नहीं मानते इस बात का। बात पूरी सुनो, हम बुरा नहीं मानते। बात पूरी सुनो, तुम्हारी तैयबा तेलन से तो मेरी बीस बात का जवाब दिया नहीं जाता। अच्छा, आपने उसका नाम रख दिया तैयबा तेलन, और हाफिज अली असगर का रख दिया असगरी बेगम। मैंने नहीं रखा उसका, उसका तो रखा उमर कादमी ने, जमशेद तेली ने रखा आपने रखा। मैं नहीं उमर कादमी ने रखा। अरे यार छोड़ो इस बात को, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, अब मुझे ये बता कि क्या, अब मुझे ये बता, भाग मत, अब मुझे ये बता कि तूने अपनी औरतों को इनके पास भेजा था? अच्छा, तुम इतने गंदे मसले में क्यों पल्ला हो सवाल से अपने आप? मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले इसका जवाब दे। अरे इसमें दहशी देवर में लिख रहा है, पहले 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 भाग मत, भाग मत, भाग मत। ये अकीदा रखना कि हमारे सब हाल की उसको हर वक्त खबर रहती है, कुफर शिर्क है। और दूसरी जगह ऐसे सवाल हुआ रशीद अहमद गंगोई से, फतावर रशीदिया में, कि किसी ने ये सवाल दरियाफ्त किया कि तस्वुर करना ओली अल्लाह का मुराकबे में कैसा है, और ये जानना कि जब हम उनका तस्वुर मानते हैं कि वो हमारे पास मौजूद होते हैं और हमको मालूम हो जाते हैं, ऐसा एहसास करना कैसा है? ये जवाब देते हैं, ऐसा तस्वुर करने वाला मुशरिक है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा अकीदा रखने वाला मुशरिक हो जाएगा? लियाकत बोलो, अब बड़बड़ ना करना। ना बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये ताहिर रजा है, इसने असूल बनाया था कि जो किसी मर्द को औरत के नाम से पुकारे, उसके ऊपर ये इल्जाम बनता है कि उसने अपनी औरतों को उसके पास भेजा था, वो कुछ नहीं कर पाया रात को, तो तब जाके उसका नाम बदल दिया गया। अब ताहिरा ने नाम रख दिया है मुफ्ती तैयब साहब का और हाफिज अली असगर का उल्टा नाम रख दिया औरतों जैसा, जैसे असगरी बेगम कहते हैं और तैयबा तेली कहते हैं, तेलन कहते हैं। तो अब इसके असूल से ये साबित हो गया कि ताहिर रजा ने अपनी औरतों को भेजा, दोनों के पास कुछ नहीं बना, इसकी औरतें खाली आई इसके असूल से, और इसने उनका नाम बदल के औरतों जैसा रख दिया। अब ये मेरे सवाल से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब ये कहानी बस्ती जेवर की तरफ, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई है। हाँ बोले, देखिए सामने नजरात, मैं इससे सवाल कर रहा हूँ इसके अकाबिरों की इबादत का, और ये जा कहा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कुछ कह दिया, हम इस बात का पूरा मानते ही नहीं। असगरी बेगम का नाम रखा उमर कासमी ने, तैयबा तेलन ने जब मुझसे ताहिरा कहना शुरू किया तो तैयबा तेलन का नाम रखा मैंने, और वो तेलन है उससे कथा खिलवा लिया। अगर वो तेलन नहीं होगी तो जा, मैं 1 लाख रुपए तुझे नाम से दूंगा, अगर वो तेलन नहीं हो तो तैयबा उससे पूछिए तू। मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ कि तेरे जो अकाबिरों ने ये लिखा है कि तस्वुर ओलिया करना या मुशरिक हो जाता आदमी, और ये शर्तेली थानवी जो लिख रहा है कि किसी बुजुर्ग से यह अकीदा रखना कि हमारे सब हाल की जो खबर रहती है कुफ्र और शिर्क है, लियाकत देवबंदी, मैं इसका जवाब मांग रहा हूँ आपसे। मैं इधर नहीं रहा आपको, इधर मांग रहे हो आप। जब तक तेरे मुझे अपने काबिलों की शिकायत जो ऐसा करने वाला, ऐसा मुश्किल हो जाता है, सुन लो पूरी बात, 2 मिनट दूंगा पूरे बोलने के लिए, सुनो 2 मिनट दूंगा पूरे बोलने के। मेरा अकीदा ये है कि अगर मैं कोई परेशानी में हूँ, मैं अकीदा है, मेरा अपना अकीदा है ये, और मैं ये कहूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी मदद कीजिए, तो मेरा अकीदा ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इख्तियार दिया है कि वो मेरी मदद कर सकते हैं और मेरी मदद के लिए आ सकते हैं, तो क्या मैं मुशरिक हो जाऊंगा? तो मैं या तो देवबंदी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इसका जवाब दे, ज्यादा न जाए। बोलिए लियाकत, बोलिए। तो अपने असूल से क्यों भाग रहा, जब तूने अपने असूल से ही अपनी औरतों को जानी बना दिया, अपनी माओ बहनों को जानी बना दिया, तूने उनको फाशा किसी की बेड की रौनक बना दिया, तूने असूल बयान किया, और तूने ही उस असूल को तोड़कर हाफिज अली असगर को और मुफ्ती तैयब को औरतों जैसा नाम रख दिया, जब तूने ये बातिल असूल क्यों बनाया था? जब तेरे पे गले में हड्डी फंसी तो तूने असूल बदल दिया, आज तू ही उसी रवैये पे चल रहा है, तेरे सारे हवारी यही रवैया अख्तियार कर रहे है, वो तैयबा तेलन कह रहे है, उसको असगरी बेगम कह रहे है, तो आप लोगों ने कब अपनी औरतें उनके बेडरूम पे भेजी, और जहाँ उनसे कुछ नहीं बना आपकी औरतें खाली आ गई बाकुल आपके असूल के। हाँ, मैं किसी की माओ बहनों पे तोहमत नहीं लगा रहा, तेरा असूल बयान कर रहा हूँ। तो फिर जाके तुमने ये अजमाया कि ये मर्द कहने के लायक नहीं है, ये औरतें हैं,
ये औरतें हैं तो आपने उनका नाम औरतों जैसा रख दिया। बाकौल ताहिर रजा के और ताहिर रजा के असूल के इन्होंने हाफिज अली असगर को और मुफ्ती तैयब को अजमा लिया अपनी औरतें भेजकर, तब जाके इन्होंने नाम बदल दिया। हालांकि यही दो वीडियो के अंदर, दो रिकॉर्डिंगों के अंदर ताहिर रजा का असूल बयान किया हुआ है और ये बार बार इसी अल्फाज को चिल्लाता था कि आपने कब मेरे पास औरतें भेजी है। अब मैं ये सवाल करता हूँ, दो मिनट नहीं हुए, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुए, दो बातें रह गई। जमशेद पादरी ने और ताहिरा बानो ने कब भेजा अपनी औरतों को उनके पास के इन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि ये मर्द कहलाने के काबिल नहीं है। अब इसका जवाब दे। रही दूसरे की बात बस्ती देवर की, तो लियाकत देवबंदी अगर ये दिखा दे कि मैंने कहीं ये उसूल बनाया हो कि इस तरीके की बातें करना जो है ये उसूल है और इसमें जो है किस तरह का कोई मैंने इसमें कोई बात रखी हो, और ये लियाकत अगर दिखा दे मेरी कोई रिकॉर्डिंग ऐसी कि जिसमें मैंने ऐसा कोई उसूल बनाया है कि ऐसा कहने पर ये हुक्म लगेगा ये हुक्म लगेगा, तो मैं अपनी शिकस्त लिख के दूंगा। ये लियाकत का सफेद झूठ, ठीक है, ठीक है, खाली झूठ पड़ रही है, ठीक है, ठीक है। देवबंदियों की दो टांगें हैं, एक झूठ और एक लोगों को धोखा देना, ये दोनों हम तोड़ेंगे इंशाल्लाह, और तोड़ के इधर लूला करके डालेंगे जो सिरक सिरक के दम दे देगी। ये हो रहा है इंशाल्लाह, होता रहेगा। मुझे उसने खुद कहा था तैयबा तेलन में ताहिरा, उसने खुद मेरा नाम पहले रखा है। असगरी बेगम का नाम मैंने, असगरी बेगम मैंने नहीं रखा है, वो रखा है उमर कासमी ने, हमें कोई मतलब नहीं इससे। अब जब उमर कासमी से असगरी बेगम कहता है वो सही, वो असगरी बेगम मुझे खुद चिढ़ाता है इस बात से, तब मैं पलट के उससे कहता हूँ मैं किसी की जातियात पर अगर लियाकत देवबंदी कोई रिकॉर्डिंग मेरी ऐसी दिखा दे कि मैं किसी आदमी की जातियात पर आऊँ, तब भी मैं अपनी शिकस्त लिख दूंगा। मैं बात करता हूँ जो बात चलती है उसकी, माँ बहनें इसमें शरीक नहीं होती हैं। बात तेरे हमारे अकीदे की है, हमारे तेरे अकीदे का खिलाफ है, उस पर बात करते हैं हम, माँ बहनों का इसमें कोई कसूर नहीं है। जो आदमी किसी की माँ बहनों को इसमें शरीक करता है तो वो आदमी बहुत बुरा है, और वो समझ लो कि इसका काबिल नहीं है, फिर उसे मैदान छोड़ देना चाहिए। अगर मैंने उसे तैयबा तेलन की जवाब दिया है तो इसलिए जवाब दिया है कि तैयबा तेलन क्योंकि ये ऐसे बिगाड़ बिगाड़ के मेरे नाम रखता है, और तू कातियात पर आता है जब तू देखता है कि तुझसे जवाब नहीं दिया जाता और तू राय फरार इख्तियार करने के लिए मुझे ऐसी बातें करता है, तब मैंने उसे जवाब दिया था। तो अगर मैंने उसे अब जवाब दिया था तो असगरी बेगम को अगर मेरे कोई आदमी असगरी बेगम कहता था तो असगरी बेगम ने जवाब क्यों नहीं दिया उन्हें जो कहते थे, मैं असगरी बेगम जवाब देती क्यों जवाब नहीं दिया उसने, नहीं दे पाया क्यों, उसे नाम अच्छा लगता था क्योंकि हमारे साथ में रखा है। हम इन बातों को छोड़ते हुए मैंने जो खून किया है लियाकत देवबंदी, अपने अकादिरों को कब तक मतलब इन्हें इनके कुफर को छुपाते रहोगे, ये आवाम के सामने अब खामोश रहे, आवाम जाने के कौन हक है कौन बाकी है, अब खामोश रहे, क्या जवाब दीजिए आप, अब खामोश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो इसने मान लिया कि मुफ्ती तैयब ने इसको ताहिरा बानो नाम रखा था, और पहले इसने इस बात का इनकार कर दिया कि मैंने ये बात कही नहीं है, लेकिन एक मिनट के बाद इसने इकरार कर लिया कि मैंने उसके इस असूल को तोड़ने के लिए बात कही थी। देखिए सामीन, ये ताहिर रजा मुनाजिर बनता है लेकिन इसकी दो मिनट की बातों के अंदर इतना तजाद है। पहले इसने इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर लियाकत साबित कर दे तो मेरी शिकस्त, और बाद में इसने इकरार कर लिया कि उसने मेरा ये नाम रखा था, तब उसके रद में मैंने ये बात कही थी। तो देखिए सामीन, ये खुद ही अपने असूल से इसकी शिकस्त हो गई है, ये अपने आप को मुनाजिर बनता है ये मेरा जहाज, इसको ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। दो मिनट के अंदर इसने अपनी शिकस्त का ऐलान भी कर दिया और अपनी शिकस्त तस्लीम भी कर ली, और इसने सारा खुलासा कर दिया। सामीन गौर से सुनिए इसकी बात को, आपको पता चल जाएगा इसकी बात के अंदर कितना तजाद है, इसकी बात के अंदर कितना तजाद है। ये हाल है बरेलवी, जब इनका इनका काला चिट्टा खोला जाता है तो ये बुखला जाते हैं, बुखला जाते हैं। अरे बोलने के लिए देरा, अरे बोलने के लिए देरा तू, अरे एक मिनट नहीं हुआ तो पहले बकबक कर रहा, कहाँ दो मिनट हो गए, इतना झूठ बोलता है, तो झूठ बोलता है यार तुम, जब भी तुम्हारा अरे दो मिनट मैं बोलूंगा, दो मिनट जब भी तुम्हारी जब मेरी बात जब पूरी नहीं होती तो बीच में बकबक कर रहा। हाँ, मैंने ये कहा है इससे, इसने ये कहा था कि उसूल बनाया था, मैंने कभी कोई उसूल नहीं बनाया, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसने जब मुझे कहा तो मैंने उसके बात का जवाब दिया था। ये मान के होता है, ये मान गया फिर मुकर रहा, ये मान गया फिर मुकर रहा, अल्लाह की बना देवबंदी उससे अब भी कहता हूँ रिकॉर्डिंग है, जब तुम्हारी धज्जियां उड़ाता हूँ, नहीं मैं जब तुम्हारी धज्जियां उड़ाता हूँ देवबंदियों की, तो मैं किसी की जातियात पर नहीं आता हूँ, कोई एक रिकॉर्डिंग मुझे ऐसी दिखा दे तू मेरी जो मैं किसी की जातियात पर मैंने हमला किया हो, नहीं दिखा सकता। अरे तूने अभी माना है इसी रिकॉर्डिंग में, मान के मुकर गया, जातियात पर आते हो अभी मुकर गया तू, पहले मुकर गया फिर मान गया, मत बोल बीच मत बोल बीच मत बोल, तुम देवबंदी राय फरार इख्तियार करने के लिए जातियात पर आते हो, कल असगर देवबंदी से बात हुई तो वो भी जातियात पर आने लगा, इतना उधेड़ा है कल के उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी है, तेलन की तो मुझसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई कल, तेलंग तो जाके गोद में बैठ गए करके, तेलंग के बस की बात नहीं करते, तेलंग ने मुझे फोन किया था। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ जो है ये इन बातों को क्यों निकाल लिया देवबंदी, तो मैंने सवाल किया सामान हजार, सयामत आ सकती है,
मगर ये देवबंदी अपने अकाबिरों का दिफा नहीं कर सकते और जवाब नहीं दे सकते। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि दोनों जो सवाल किए मैंने रशीद गंदगू के हवाले से और शरफेली के हवाले से, लियाकत देवबंदी, इसका जवाब लेने के लिए मैंने तुझे फोन किया है, लफाजी के लिए नहीं, देवबंदी की लफाजी कर रहा। देखिए सामीन, अरे खामोश हो जा, खामोश हो। देखिए सामीन, ये बरेलवी असूल है और बरेलवी धर्म है, ये खुद से असूल गढ़ते हैं, खुद से ही अकीदा बनाते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। देखिए ताहिर रजा ने खुद ही असूल बयान किया और खुद ही अल्जामी जवाब तैयार किया मुफ्ती तैयब के लिए। जब उसके गले की हड्डी बन गया है तो ये उसमें बौखला गया, कभी मानता है कभी मुकर जाता है, कभी मानता है कभी मुकर जाता है। इसने जो असूल बयान किया है उसी असूल के तहत तमाम बरेलवी जितने अभी मुनाजिर बने हुए हैं, जो मुफ्ती तैयब से और मुफ्ती अली असगर से बात करते हैं, उनकी सारी औरतें फाशा साबित होगी। क्यों? कि इन सब ने अपनी औरतों को इन दोनों के पास भेजा, वो नामर्द निकले, तो तब जाके इनका नाम इन्होंने बदल के औरतों जैसा रख दिया। अब ये बुखला गया है, इसने दो मिनट की वॉइस के अंदर अपनी बात को माना है, फिर एक मिनट के बाद फिर इनकार करता है, फिर मानता है, फिर मानता है, फिर इनकार करता है। यानी इसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, ना कोई सबूत है। पहले इसने इनकार कर दिया, फिर मान रहा है। ये है असल इन बरेलवियों की हकीकत, इनके अकायद हो, इनके मसाइल हो, उनके अंदर इसी तरह ये डूब के मर जाते हैं। अब ये बुखला गया है, अब ये बुखला, अरे एक मिनट नहीं हुआ, एक मिनट नहीं हुआ भाई, अबे अबे एक मिनट नहीं हुआ, नौ बजे हुआ हमें, अबे तू शैतान के बंदे, अबे एक मिनट, अरे गाली दे रहा है, देख गाली दे रहा है, देखिए सामने गाली दे रहा है, बोल बोल ले, गाली दे रहा है सामने। देखिए जब बरेलवी के बंदे हो ना तुम, बरेलवी जब दलाइल की दुनिया में फेल होते हैं तो फाशा गालियां देते हैं और फतवा रजविया की इबारत से हराम नस्ल साबित होते हैं। ये हाल है बरेलवियों का, कि जो फाशा बके उसकी असल में खता है, इनका मुजद्दिद बोल के गया है। अब सुन तो जा, देखिए सामने हजरात, ये कैसी राय पर अख्तियार कर रहा है, जबकि मैं इससे बार बार ये कह रहा हूँ, अब कि हम जो मैदान में उतरे हैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाने के लिए उतरे हैं, ना कि तुम्हारी माँ बहनों को टारगेट बनाने के लिए। माँ बहनों को टारगेट तुम बनाते हो, अब जब तुम माँ बहनों को टारगेट हमारी बनाते हो और हम तक तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, तो उसका हम तुम्हें दिफा करते हो और दिफा करने के लिए हम इल्जामी जवाब तुम्हें देते हैं। हमने जो दिया होगा तो इल्जामी जवाब दिया होगा, हमने किसी की माँ बहन को टारगेट नहीं बनाया होगा, क्योंकि हम हमारा तेरा मतलब उसका अकीदे का झगड़ा है, तो अकीदे पर हम बात करते हैं, हम माँ बहनों को शरीक नहीं करते इसमें, माँ बहनों को शरीक देवबंदी करते हैं, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, ये अपने काफी अकाबिलों के कुफरियात को छुपा रहे हैं, हम उसे उजागर कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं आवाम के, लेकिन ये छुपाना चाह रहे हैं मगर छुपेगा नहीं। मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि मेरी एक रिकॉर्डिंग कोई ऐसी दिखला दे लियाकत देवबंदी, जिसमें मैंने अपनी तरफ से किसी देवबंदी से बात करते हुए उसकी माँ बहनों को टारगेट बनाया हो, या उसे मैंने कोई उसकी जातियात पर आया हूँ, नहीं दिखा सकता। मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ कि तेरे दो मौलवियों ने, जो तेरे चोटी के मौलवी हैं, जिसे तू एक खुतबे आलम कहता है, एक कुछ नईन उम्मत कहता है, इन्होंने दोनों ये कहा है कि इस तरीके का अकीदा रखना कि किसी को नहीं समझना कि मेरी हालांकि उसको खबर है, और एक का ये अकीदा है कि किसी को पुकारना और वो मदद की नहीं आ जाए, ये सब कुफ्र शिर्क है। मैं तुझसे लिया कर खामोश है, दो मिनट के खामोश है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, खामोश है, खामोश जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। शुरुआत देखिए सामीन, शुरुआत ताहिर रजा ने की थी, जब मुफ्ती तैयब ने इनका नाम ताहिरा बानो रखा तो ये उनको इल्जामी जवाब ऐसा देता जो उनकी जात के ऊपर होता, माओ बहनों पे ना जाता। इसने फौरन असूल गढ़ा और बार बार कहा कि आपने अपनी औरतों को मेरे पास कब भेजा, जब वही असूल इनके गले की हड्डी बन गया और इनके तमाम घर की औरतें फाशा अभी साबित हो रही है। हालांकि ये भी अल्जामी जवाब है, मैं इनको अल्जामी ही जवाब दे रहा हूँ, जिस तरह ताहिर राजा ने कहा कि वो मेरा अल्जामी जवाब था, तो मेरा भी अल्जामी जवाब है। और ये अल्जाम है कि तूने किस तरह जमा लिया दोनों को कि वो मर्द खिलाने के काबिल नहीं है, तेरे असूल से तूने अपनी औरतें भेजी या जमशेद तेली ने भेजी, लेकिन ये इसके गले की हड्डी बन चुका है, अब ये दाएं बाएं मार रहा है। अब रही उसकी बस्ती देव, एक मिनट नहीं हुआ, बदबख्त तेरा भी शुरू हो रहा, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ, अभी एक मिनट कसम से एक मिनट भी नहीं हुआ, बड़ा बदबख्त है यार, तू कितना नालायक है, खाली तू बोल के बोल, हाँ जवाब लेके जाएगा मेरी बात का, आएगा नहीं ऐसे राय पर, तू बीच में क्यों बोल रहा, तू बीच में क्यों बोलता यार, अरे तेरा टाइम हो गया, यार कब टाइम हो गया, कसम से एक मिनट नहीं हुआ, तू एक मिनट में तू एक मिनट में चिल्लाने लगा, तू इतना बड़ा नालायक है यार, देखिए सामीन के तल पे चढ़ने लगा, सामीन के तल पे चढ़ने हो जाता है ये रफायत हाजत, तू भी चढ़ रहा था, सामीन देखिए मेरे एक मिनट के बीच में क्यों बोला तू है, ये तुम्हारी बुखलाहट की सबूत है कि तुम बुखला जाते हो, जब बात करते हो ना बुखला जाते हो, टिक के बात करना तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है, इसलिए तुम अपने असूल में खुद ही दफन हो जाते हो, जो तुम असूल करते हो ना, जैसे तुम्हारे मुजद्दिद ने असूल करे है, खुद ही अपने असूल में दफन हो गया, हो गया, हाँ हो गया। अब देखिए सामीन हजरात, इसने खुद इकरार कर लिया कि तैयबा तेरन ने मुझे कहा था पहले, ये देखिए इसकी देवबंदी की,
या तेलंग ने मुझे कहा तो सामने नजरात मैं आपको बताता हूँ और करने का मकाम है। जब मैं किसी मर्द को बार बार औरत बनाऊंगा तो उसका इल्जामी जवाब वो क्या देगा, ये जाहिल ही नहीं जानता। अबे जब मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करता हूँ, किसी की जातियात पर नहीं आता हूँ, जब तैयबा तेलंग मेरी जातियात पर आने लगी बार हम उसको समझाता रहा कि देश तू सलीके से बात किया कर, तरीके से बात किया कर, मोहब्बत तरीके से, तेरा हमारा जो झगड़ा है वो अकीदे का है, इस पर बात कर, तू माँ बहनों को इन बातों को शरीक मत कर, तू मुझे मुजक्कर से मोहल्ल जो बनाता है, तब मैंने उसे इल्जामी जवाब दिया था। तो इसका जवाब अगर मैं किसी सामे हजार नाम में से किसी को कहने लगूं कि ए हिजड़ी ए हिजड़े या फातिम नाम हो या मैं कहने लगूं फातिमा, तो उसका जवाब वो मुझे क्या देगा। मैं ये कहता हूं लियाकत देवबंदी तुझसे कि तू मेरी कोई रिकॉर्डिंग ऐसी दिखला दे, तुझसे भी मेरी कई मतलब बात हुई है, इस पर मैं तेरी जातियात पर आया हूँ या किसी देवबंदी की जातियात पर मैं आया हूँ। अब मैं तुझसे सवाल ये कर रहा हूँ कि तेरे एक लईम उम्मत और एक तेरे कुतुब आलम रशीद गंदगू लूती ने जो ये जवाब दिए हैं, जो इनसे सवाल किए गए हैं, इधर आधर न भाग कर कयामत आ जाएगी कि लेकिन ताहिर रजा कादरी को ये इस बात का लियाकत जवाब नहीं दे सकता। अच्छा चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, के लिए टाइम काटने के लिए एक मिनट से 31 सेकंड हुए, ये एक मिनट 31 सेकंड लियाकत। अरे झूठ तेरे मुकद्दर में लिखा 16 मिनट हो गए तू, 16 मिनट हो गए, 14 से शुरू हुआ था, आमीन आमीन आमीन, 14 से शुरू हुआ था, 16 हो गए, 16 देखिए सामने नजर, ये अपना टाइम काटने के लिए ये कभी चुप नहीं करेगा। अब जब मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू मेरी कोई रिकॉर्डिंग दिखला दी जिसमें मैं जातियात पर आया हूँ, मैं किसी जातियात पर नहीं आता हूँ, मुझे तू मेरे सवाल का जवाब दे, राय फरा इस्तेमाल मत कर। देखिए सामीन, ये ताहिर रजा है, इसने खामोश हो, खामोश हो, ताहिर रजा ने मुझे नंगी माँ बहन की गालियां दी है, रिकॉर्डिंग में है, ये कहता है मैं जातियात पर नहीं आता। और रही इसकी अपने, देखिये शुरुआत जो बंदा करता है ना, शुरुआत ताहिर रजा ने की है माँ बहन को बीच में लाने की, और इसने ऐसे अल्फाज कहे मुफ्ती तैयब को, ऐसे अल्फाज कहे कि वो अल्फाज बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन हम ये है कि हम अहले बातिल का मुंह तोड़ने के लिए बर्दाश्त करते हैं, है ना। और इनके यहाँ फाटा पकना इतना बड़ा गुना है, इतना बड़ा गुना है कि फतवा रजविया की इबारत है साफ शफाफ, कई बार इनको हम दिखा चुके हैं कि जो फाटा पके वो हलाली नहीं है, यानी वो हरामी है, ये अहमद रजा का फतवा है, उसने बिल्कुल साफ कहा है। लेकिन कोई बरेलवी माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो फाटा ना पके, हर बरेलवी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, चाहे मौलवी हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे कारी हो, चाहे वो किताबें लिखता हो, चाहे वो मुकर्रर हो, चाहे वो तकरीर जाता हो, चाहे वो मुनाजिर हो, हर बंदा गाली बकता है, इनके यहाँ हर बंदा गाली बकता है। और सामीन में आपके नॉलेज के लिए कह दूं कि बरेलवियों के यहाँ गाली कुरान से भी साबित की जाती है, हदीस से भी साबित की जाती है, और फिका यानी नाऊज़ बिल्लाह आइमा अरबा से भी गालियाँ साबित की जाती है। और ये गाली का तोहमत कुरान पे लगाते हैं, अबू बकर सिद्दीक पे लगाते हैं, और खादिम रज़वी जब गाली देता था तो उनके हवारी कहते थे कुरान में भी गालियाँ है, नाऊज़ बिल्लाह कुरान में भी गालियाँ है खादिम रज़वी। सामईन हज़रात, ये सिर्फ झूठ बोलकर।